नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 मार्च दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर आयोग की होगी नजर। बिहार में 95,000 शिक्षकों को हटाने को लेकर आदेश जारी। प्रदेश में 2 दिनों से बढ़ रहा तापमान। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज होगा जारी। शोरूम के बाहर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ले जाने पर होगा एक्शन। फास्टैग के काम नहीं करने पर 2 गुना टैक्स देने की नहीं है जरूरत। आईपीएल 2024 में आज सीएसके वर्सेस डीसी और एसआरएच और जीटी के बीच होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जूनियर इंजीनियर के पदों पर एसएससी ने निकाली भर्ती। जूनियर इंजीनियरिंग के 968 पदों पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अप्रैल 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in/login पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। परीक्षा 2 पेपरों में आयोजित होगी। परीक्षा से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर आयोग की होगी नजर। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर आयोग की पैनी नजर होगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक सोशल मीडिया पर बिना अनुमति प्रत्याशी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समर्थकों के पोर्ट पर भी उम्मीदवार को जवाब देना हो सकता है। निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत जिला और राज्य स्तरीय कोषांग में सोशल मीडिया सेल को अलग से गठित किया गया है। यहां से सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि बिना अनुमति के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रचार प्रसार करने पर आदर्श आचार संहिता के तहत एक्शन लिया जाएगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कैमूर करकटगढ़ जलप्रपात के बारे में। बिहार में कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन पहाड़ियों और प्रकृति की गोद में बसे कैमूर की बात ही अलग है। यहाँ पर आपको एक से एक मनोरम चीजें दिखाई देंगी, जिसमें से एक है करकटगढ़ का जलप्रपात। यहाँ से नज़ारे बेहद ही मनोरम दिखाई देते हैं। इस जलप्रपात पर ऊंची पहाड़ियों से जलधारा का बहाव देखते हुए बनता है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पार्क भी बनाया गया है, जो बच्चों को खूब पसंद आता है। करकटगढ़ का जलप्रपात पर्यटन की दृष्टि से सबसे बेहतरीन स्थलों में से एक है। आप यहाँ गर्मियों में घूमने आ सकते हैं। बिहार में 95,000 शिक्षकों को हटाने को लेकर आदेश जारी। बिहार में 95,000 गेस्ट टीचर हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट टीचर को हटाने को लेकर आदेश दिया है। बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इसको लेकर एक पत्र जारी किया है। फिलहाल राज्य में कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं में 37,847 और कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं में छात्र और छात्राओं को पढ़ाने के लिए 56,891 टीचर कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में 94,738 गेस्ट टीचर की नियुक्ति मानदेय के आधार पर की गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि किसी भी हाल में 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों से काम नहीं लिया जाएगा। वहीं 3 अप्रैल तक अतिथि शिक्षकों को हटाने की सूचना देने के लिए कहा गया है। बिहार में 95,000 शिक्षकों को हटाने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज होगा जारी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा। वेबसाइट https://biharboardonline.com और https://secondary.biharboardonline.com पर परीक्षार्थी परीक्षा का परिणाम चेक कर सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह जानकारी दी थी कि 31 मार्च तक 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, इसलिए आज परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। होली को लेकर परीक्षा परिणाम आने में थोड़ी देरी हुई है। ऐसा नहीं होता तो होली के पहले ही परीक्षा परिणाम नामों की घोषणा कर दी जाती। बताया जाता है कि आज दोपहर मैट्रिक के परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। आज परीक्षा के परिणामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं टॉपर्स का वेरिफिकेशन कार्य पहले ही पूरा हो गया था। शोरूम के बाहर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ले जाने पर होगा एक्शन। शोरूम के बाहर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी ले जाने पर एक्शन लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसको लेकर चेतावनी दी है। ऐसा करने पर संबंधित वाहन मालिक या डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत वाहन कंपनी के डीलर पर जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। बिहार परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षक को आचार संहिता और कानून व्यवस्था के पालन को लेकर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर सख्ती बरतने का आदेश दिया है।
बिहार में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बिहार में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल विभागीय स्तर पर बांका जिले में कई फर्जी शिक्षकों को चयन किया गया है। बताया जाता है कि इनका प्रमाण पत्र फर्जी है। शिक्षा विभाग के पास इस संबंध में जानकारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां 2 दर्जन फर्जी शिक्षकों की पहचान की जा चुकी है। 18 फरवरी के बाद ये स्कूलों को छोड़ चुके हैं। वहीं इन्हें जांच के लिए पटना भी बुलाया गया था। मालूम हो कि फर्जी टीईटी या एसटीईटी प्रमाण पत्र और दूसरे के प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले कुछ शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। रील्स बनाकर लोगों को मतदान करने के लिए ऐसे करें जागरूक। रील्स बनाकर लोगों को मतदान देने के लिए जागरूक किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में रील बनाने वाले 5 लोगों को हर दिन चुनाव आयोग की ओर से चयन किया जाएगा। इन लोगों के वीडियो को चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाएगा। साथ ही इन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। मालूम हो कि रील बनाकर इसे चुनाव आयोग के व्हाट्सएप नंबर 7004910560 पर भेजा जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने लोगों से मतदान जागरूकता पर रील बनाने की अपील की है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मीरा कुमार के बारे में। मीरा कुमार भारतीय राजनीति में अपना संबंध रखती हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1945 में बिहार के सासाराम में हुआ था। ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2009 में निर्विरोध चुनी गई थी। इनके पिता बाबू जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। मीरा कुमार भारत की राजनीति में एक मजबूत छवि रखती हैं। ये वर्ष 1973 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुनी भी गई थी। मीरा कुमार एक अच्छी कवित्री के रूप में भी लोगों के बीच जानी जाती है। इनकी लिखी गई कई कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। कक्षा 5 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों की चलेगी विशेष कक्षा। बिहार में कक्षा 5 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों की विशेष कक्षा 1 अप्रैल से चलेगी। असफल विद्यार्थियों को सफल बनाने के लिए बिहार बोर्ड की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इनके लिए 1 अप्रैल से लेकर 14 मई तक के लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिया है। वहीं कक्षा 1 के संचालन के बाद ऐसे शिक्षकों की दक्षता परीक्षा 15 मई को ली जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश तिवारी ने इस संबंध में पत्र भी जारी किया है। इसमें कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षा का संचालन से संबंधित जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर गया में 22 में 7 नामांकन कैंसिल। गया में 22 में से 7 नामांकन कैंसिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीते 28 मार्च को नामांकन दाखिल करने वाले 22 उम्मीदवारों में से 7 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 22 में से 19 उम्मीदवारों ने 28 मार्च को नॉमिनेशन किया था। वहीं शेष 3 प्रत्याशियों ने अलग अलग दिन अपना नामांकन दाखिल किया था। मालूम हो कि बीते दिन कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन पत्रों की जाँच की गई थी। इसमें 7 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र में कुछ गलती होने के कारण इसे कैंसिल किया गया है। भारत रत्न समारोह में शामिल होकर पटना लौटे नीतीश कुमार। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भारत रत्न सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश दिल्ली गए थे। समारोह के समाप्ति के बाद वे शनिवार को पटना लौट आए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के साथ लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व पीएम और किसान नेता चौधरी चरण सिंह और देश में कृषि क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया था। इस समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान भी गए थे। फास्टैग के काम नहीं करने पर दोगुना टैक्स देने की नहीं है जरूरत। टोल प्लाजा पर फास्टैग के काम नहीं करने पर आपको दोगुना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दरअसल फास्टैग के बिना दोगुना टैक्स देने से बचने के लिए आपको प्रीपेड टच एंड को कार्ड को की सर्विस की मदद लेनी पड़ सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस कार्ड को खरीदने के लिए टोल प्लाजा पर POS मशीन लगी होती है। वहां से इसे खरीद कर इसका उपयोग किया जा सकता है। मालूम हो कि फास्टैग के काम नहीं करने पर या रिचार्ज नहीं होने पर टोल टैक्स पर दोगुना पैसे चुकाने पड़ते हैं। इससे बचने के लिए प्रीपेड टच एंड को कार्ड के उपयोग की सलाह दी जाती है। प्रदेश में 2 दिनों से बढ़ रहा तापमान एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ बिहार में सक्रिय हो चुका है। इन दिनों लगातार प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाए दिख रहे हैं। कई जगहों पर तो बारिश की संभावना देखी जा रही थी, साथ ही पुरवैया हवा का असर भी देखने को मिल रहा था। हालांकि प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। आज मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में कोई चेतावनी जारी नहीं हुई है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की संभावना गई है।
मृत शख्स के एटीएम कार्ड से पैसा निकालने पर हो सकती है जेल। मृत शख्स के एटीएम कार्ड से पैसा निकालने पर आपको जेल तक हो सकती है। यहां तक कि नॉमिनी भी बिना बैंक को सूचना दिए एटीएम कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जेल हो सकती है। नियम के मुताबिक मृत शख्स की पूरी संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है। इसकी जानकारी आपको पहले बैंक को देनी जरूरी होती है। मालूम हो कि नॉमिनी होने पर बैंक को सहमति पत्र प्रदान करना होता है। इसके बाद ही बैंक खाते से पैसे निकालना संभव होता है। कैमूर पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप को किया बरामद। कैमूर पुलिस ने जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त किया है। पुलिस ने एक डीसीएम ट्रक पर लोड 2000 प्रतिबंधित कफ सिरप को बरामद किया है। साथ ही मौके से एक चालक को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार चालक तेज बहादुर सिंह ग्राम थाना दरियापुर जिला वाराणसी का रहने वाला है। वहां जांच के दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित कप सिरप को बरामद किया है। इस ट्रक को वाराणसी से कोलकाता ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त करके चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना, आज इंडिया गठबंधन की रैली में होंगे शामिल। पूर्व डिप्टी सीएम और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की रैली बुलाई गई है। इसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। इसके लिए वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के अनुसार ये एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है। आज इंडिया गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। पशुपति पारस ने एनडीए में ही बने रहने की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए में ही बने रहने की ऐलान किया है। हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस को एनडीए में इस बार टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब पशुपति पारस ने कहा है कि वो एनडीए में मजबूती के साथ बने हुए हैं और वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान का समर्थन का भी ऐलान कर दिया है। पशुपति पारस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से ये जानकारी दी है कि उनकी पार्टी रालोसपा एनडीए का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता है और उनका निर्णय ही सर्वोपरि है। बिहार के 3 सीटों पर सीपीआई एमएल ने उतारा उम्मीदवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद सीपीआई एमएल ने बिहार 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाकपा माले ने आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा अगियाओं की विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर शिव प्रकाश रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है। मालूम हो कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सीपीआई एमएल के राज्य सचिव कुणाल, एमएलसी शशि यादव, वरिष्ठ पार्टी नेता केडी यादव और विधायक रविदास ने संयुक्त रूप से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। पवन सिंह ने टीएमसी नेता पर बदनाम करने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए पवन सिंह ने बाबुल सुप्रियो पर निशाना साधा है और उन पर खुद को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पवन सिंह ने कहा है कि कलाकार और सन्यासी की कोई जाति या धर्म नहीं होती है। इनको इनकी समाज विशेषताओं के लिए सम्मान मिलता था और मिलता रहेगा। पवन सिंह ने कहा है कि साल 2019 में वो बाबुल सुप्रियो के प्रचार के लिए आसनसोल गए थे। इस दौरान उन्हें खूब मान सम्मान मिला। आखिर 2024 में बाबुल सुप्रियो की ऐसी क्या मजबूरी है कि मुझे बदनाम करने के लिए फर्जी चित्रों का सहारा लेना पड़ा। बाबुल सुप्रियो को लेकर पवन सिंह ने कहा है कि उन्होंने संगीत को भी धोखा देने का कार्य किया है। वो पूर्ण रूप से टीएमसी के नेता बन गए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आईपीएल 2024 में आज सीएसके वर्सेस डीसी और एसआरएच वर्सेस और जीटी के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज सीएसके और डीसी के बीच मुकाबला होगा। आईपीएल का ये 13वां मुकाबला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में रात के 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके अलावा एसआरएच और जीटी के बीच भी आज आईपीएल का मैच होने वाला है। इन दोनों टीमों के बीच 12वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स अपना पिछला मुकाबला हार कर तो चेन्नई सुपर किंग्स अपना पिछला मुकाबला जीतकर खेलने के लिए आ रही है। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद पिछला मैच जीतने के बाद गुजरात टाइटंस से मुकाबला करने वाली है। वहीं गुजरात टाइटंस को पिछले मुकाबले में सीएसके से हार का सामना करना पड़ा था। आपके अनुसार अभी तक हुए मैच के आधार पर कौन आईपीएल 2024 का खिताब जीत सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1774 में भारत में डाक सेवा प्रारंभ हुई थी और पहला डाकघर खुला था। आज के दिन वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के विद्रोह के कारण जापानी सैनिकों ने बिना किसी प्रतिरोध के क्रिसमस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। आज के दिन वर्ष 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत की राजधानी ल्हासा से 15 दिन की पदयात्रा के बाद भारत की सीमा पर पहुंचे थे और भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी थी। आज के दिन वर्ष 1972 में भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी का निधन हो गया था। डॉक्टर का पर्चा समझ नहीं आने पर व्हाट्सएप से मिलेगी जानकारी। डॉक्टर का पर्चा समझ नहीं आने पर व्हाट्सएप से इसकी जानकारी मिल जाएगी। व्हाट्सएप की मदद से दवाई खाने, बीमारी का इलाज और डाइट में क्या खाना होगा, ये सभी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में 8738030604 इस नंबर को सेव करना होगा। इसके बाद डॉक्टर की पर्ची की फ़ोटो क्लिक करके आपको इस नंबर पर भेजना होगा। चैट बॉक्स में पर्ची को रीड करने के बाद आपको आसान भाषा में समझाकर अपडेट किया जाएगा। इसमें ये भी जानकारी दी जाएगी कि आपको किस तरह की डाइट को फॉलो करना है। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के वायरल हो रहे इस निर्देश के बारे में। छत्तीसगढ़ के एक लोकल न्यूज़पेपर में इवनिंग टाइम्स में एक खबर छापी गई थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से मतदान होगा। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चल रहे इस तरह के खबर पूरी तरह से फर्जी हैं। चुनाव आयोग द्वारा ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। इस खबर को इलेक्शन कमीशन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है और पीआईबी ने भी इस खबर को रिपोस्ट किया है, जहां इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। इसलिए इस तरह के खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच जरूर कर लें। वैशाली से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। उन्हें राजद की ओर से पार्टी का सिंबल सौंप दिया गया है। राबड़ी आवास पर बीते दिन मुन्ना शुक्ला को सिंबल सौंपा गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस बार वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। उनके लालू यादव की ओर से आशीर्वाद दे दिया गया है। इस बार पूरे उत्तर बिहार में भूमिहार समाज महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद होने जा रहा है। किसी भी चुनौती का हम सब सामना करने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की ओर से वैशाली की सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खाते में गई है। यहां से लोजपा रामविलास ने विनय देवी को टिकट दे दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 25 मार्च को, ऑप्शन बी है 27 मार्च को, ऑप्शन सी है 26 मार्च को, ऑप्शन डी 29 मार्च को। इसका सही उत्तर है 27 मार्च को। हाल ही में अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है म्यांमार के, ऑप्शन बी है जापान के, ऑप्शन सी है पाकिस्तान में, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है म्यांमार में। हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिनेश सिंह को, ऑप्शन बी है सदानंद दाते को, ऑप्शन सी है अनुराग अग्रवाल को, ऑप्शन डी है किशोर मकवाना को। इसका सही उत्तर है सदानंद दाते को। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी स्वरूपानंद, ऑप्शन बी है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है स्वामी विद्यानंद। इसका सही उत्तर है स्वामी विद्यानंद। बिहार में कहां 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही उत्तर है भागलपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गोनर शर्मा, पीयूष कुमार, रानी कुमारी, मोनू कुमार, रॉय किशोर, खुशबू सिंह, राजेश मांझी, संजीव कुमार, भारत प्रसाद, राजीव कुमार, राजेश कुमार यादव, शोभानंद ठाकुर, विजय कुमार मंडल, राजकिशोर महतो, डॉक्टर माधव कुमार, पवन सिंह, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, तमन्ना प्रवीण, हरजीत सिंह, ब्रजेश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।